ये शो बहुत अलग तरह का है कि वो स्वैग वाली चीज पर बहुत ही कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट के साथ, अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप अपना कंटेंट बहुत स्ट्रांग बनाते हो तो अगर फिल्म है तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। ये प्रोड्यूसिंग 10 फिल्म राइटिंग, ये तो मुझे भी नहीं पता था, नंबर इतनी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग स्टेज पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है। रीमा बहुत लाजवाब डायरेक्टर है, उनके काम के बारे में तो मैं क्या कहूँ। तो डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन आ गया ओटीटी की वजह से, एक्टर्स टेक्नीशियन सबको बहुत काम मिल गया, नई नई कहानियां कही जा रही है, नया नया कॉन्टेंट आ रहा है। पता नहीं इंडिया के अच्छे दिन आए नहीं आए, पर इस इंडस्ट्री के तो बहुत अच्छे दिन आए। मैं हूं सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज डू सब्सक्राइब। सोहम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर से। थैंक यू प्रद्युम्न, आपने बुलाया यार, बहुत मजा आता आपसे बात करके। लास्ट टाइम हमने तुम्बाड़ के वक्त इंटरव्यू किया था, मुझे अच्छे से याद है मेरे ऑफिस में। इट्स माय प्लेजर कि आपसे कब बात हो पाया। महारानी के बारे में बताएं, कैसा तजुर्बा आपका रहा है? अपेरेंटली आपने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बीच में आप लोगों ने शूटिंग करी है। हाँ, कैसा तजुर्बा रहा यार? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार तजुर्बा रहा है। पहली बात यह कि मैं लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन में घर पे था, तो 4-5 महीने से घर पे था, तो माँ का इतना सारा प्यार हो जाता ना कि आप लड्डू खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो उन्हें बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था। और लॉकडाउन खुल रहा था, मुझे लग रहा था कि यार मैं बॉम्बे जाके कैसे शुरू करूंगा, पहले तो सबसे पहले शेप में आना पड़ेगा, 2-3 महीने तो उसमें लगेंगे। तो मुझे महारानी ऑफर हुई, तो जिसके लिए वो परफेक्ट मैच था, वो जो वेट था वो परफेक्ट मैच था, तो लुक का काम तो वहीं हो गया। फिर हमने कुछ डिक्शन पे काम किया, कुछ एक साइकोलॉजी समझने की कैरेक्टर की कोशिश की, कि ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था। जैसे आपने कहा कि हमने बहुत ही कम पीरियड में शूट किया, और सेट पर एटमॉस्फेयर ये होता था कि सब थोड़ा सा डर के रहते थे, मास्क यूज करते थे, तो बड़ा ध्यान से हमने शूट किया। तो एक साइकोलॉजी पकड़ने की बात होती है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे, बिहारी पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे, लालू जी के वीडियोस देखे, नीतीश कुमार के वीडियोस देखे, तो वो एक मैंने कभी पॉलिटिक्स पे कभी कुछ किया नहीं है, और मैंने कभी भी एक नेता का किरदार किया नहीं है, तो मेरे लिए बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था वो करना, लार्जर देन लाइफ। और ये शो वैसा है कि जैसे 70s-80s की फिल्म हुआ करती थी, और एट द सेम टाइम इसको बनाया बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से गया है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो ना वहाँ का वो जो स्वैग वाले कैरेक्टर्स, बड़ी डायलॉग बाजी, वो सब कुछ देखने को आपको इसमें मिलेगा। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, मैंने जो फिल्में की हैं वो बड़ी अलग है, कि शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़, तलवार, वो बड़ी अलग तरह की फिल्में हैं। ये शो बहुत अलग तरह का है कि वो स्वैग वाली चीज पर बहुत ही कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट के साथ। बार्ड ऑफ ब्लड भी किया आपने? हाँ बिल्कुल, बार्ड ऑफ ब्लड किया था मैंने, पर उसमें तो एक छोटा सा कैमियो था मेरा, तो वो भी एक मजेदार एक्सपीरियंस था कि लास्ट में उस पर एक ट्विस्ट है, तो वो क्लिफ हैंगर था, तो वो ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। नाउ आपने जैसे आपने जिक्र किया कि आपने आपने जिस तरीके की आपने फिल्में करी हैं, तो उसको बहुत हद तक इंडिपेंडेंट सिनेमा से रिलेटेड कहा जाता है, और आपने उसको बैक भी किया है, प्रोडक्शन में भी आप शामिल रहे हैं। अपेरेंटली आप करीबन 10 फिल्में आप इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसिंग 10 फिल्म। ये तो मुझे भी नहीं पता था, नंबर इतनी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग स्टेज पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। 2-3 शोज हैं, 3-4 फिल्में हैं जो राइटिंग स्टेज पे हैं। एक फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो एंथोलॉजी हॉरर है, तो वो मैं अभी हाल फिलहाल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर लॉकडाउन की वजह से उसकी शूटिंग रुक गई है। तीन फिल्में हमने शूट कर ली है, और 7 फिल्में शूट करना बाकी है, तो प्रोड्यूस मैं वो कर रहा हूँ। और एक साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ एज एन एक्टर, लव सर के साथ मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो अभी फ्लोर पर है जो लॉकडाउन की वजह से रुक गया, बाकी सब राइटिंग प्रोसेस में। लव रंजन ओके, दैट्स साइलेंट फिल्म, दैट्स इंटरेस्टिंग, साइलेंट फिल्म। सो ही इज डायरेक्टिंग इट? नहीं, डायरेक्टर है वो, प्रोड्यूस कर रहे हैं जी अशोक। ओह ओके, ऑलराइट। एंड आप फॉलोइंग में भी हैं, आप रीमा कार्तिक का जो सीरीज है इसकी सोनाक्षी सिन्हा। बिल्कुल, मैं उसमें भी हूं, सोनाक्षी है उसमें। वो भी बहुत मजेदार था यार, रीमा बहुत लाजवाब डायरेक्टर है, उनके काम के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो ऑलरेडी बाहर है। उससे ज्यादा वो बहुत ही अच्छी इंसान है, कि वो क्रू का मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, कि एक सीन था जहाँ मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैंने कहा कि यार मैं चश्मा लगा लूँ क्या, इंडोर था, जबकि मुझे भी पता है कि इंडोर में चश्मा नहीं लगा सकते, तो उन्होंने कहा, मतलब शेड्स, चश्मा मतलब शेड्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अच्छा तुम्हारा मन है तो करके देख लो, मैंने किया, तो उनको लगा नहीं यार नहीं जा रहा। तो उसी दिन हम कुछ और शूट कर रहे थे जो हम बाहर शूट कर रहे थे, और वो मेरे पास आई और कहती कि तू यहाँ शेड्स लगा ले, तो वो ख्याल रखती है कि एक्टर क्या चाह रहा है, क्रू क्या चाह रहा है, सबका बहुत ख्याल रखती है। मतलब काम के बारे में तो उनके भी मैं क्या कहूँ, वो तो
बाहर है सब जानते हैं कि लाजवाब डायरेक्टर है, पर उससे भी बड़ी बात यह कि बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है वो, बहुत ही सेंसिटिव। फॉरेन कब तक आने के चांसेस है? आई गेस इसी साल आ जाना चाहिए। अभी हमारा शूट तो हो गया है तो पोस्ट में है, तो आई गेस इस साल या अगले साल शुरुआत में आना चाहिए फॉरेन। ओके एंड सोनाक्षी सिन्हा इज मेकिंग अ डेब्यू विद फॉरेन। सो एक बॉलीवुड की एक जो पॉपुलर जॉनरा की एक बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस के साथ में काम करने का तजुर्बा कैसा था आपका? अभी मुझे फ्रीडम ये लगता है कि एक तो इंडिपेंडेंट सिनेमा, बॉलीवुड, ये सब खत्म हो गया, सब बहुत मिक्स हो गया है। वो जो दायरे थे ना, वो लाइन बहुत ब्लर है। तो अभी आज की डेट में बात सिर्फ कंटेंट की और कहानी की है कि एक वेब सीरीज भी उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है जितनी हमारी बड़ी बड़ी फिल्में होती थी। रीच सडनली बहुत बड़ी चेंज हो गई है कि मैं अभी गंगानगर में हूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ कि एक जो ऑडियंस है वो एक नई ऑडियंस क्रिएट हो गई ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जब हम छोटे होते थे जो सिंगल स्क्रीन्स में हम देखते थे 1500 लोग फिल्म देख रहे हैं, उनमें से बहुत लोगों ने फिल्में देखना बंद कर दिया था क्योंकि बहुत कॉस्टली था या एक आदमी अपने काम में बिजी हो गया, फिल्म के लिए टाइम ही नहीं है। अभी सडनली ओटीटी की वजह से कि आप अपने फोन पर देख सकते हो, कहीं चाहो तो रुक सकते हो, जब चाहो देख सकते हो, जब टाइम। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग जो 10-15 साल से कुछ नहीं देख रहे थे वो भी आ गए हैं। तो ओटीटी की जो ये लाइन है बॉलीवुड, ये सब ब्लर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में एक्टर्स को जो तेजी से चेंज हो रहा है कि एक्टर्स को काम की तलाश है और अच्छे काम की तलाश है, वो ओटीटी हो, फिल्म हो, सब चलेगा और हर चीज की रीच बहुत बड़ी है। ये इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं और ये बिल्कुल वैलिड बात ही है। आप प्रोड्यूसर भी आप जैसे रहे हैं फॉर फिल्म्स लाइक तुम्बाड़ और शिप ऑफ थीसिस, मेहनत लगी है उसके अंदर, टाइम लगा है और फिल्मों को कामयाबी इन द सेंस कि क्रिटिकल अक्लेम खासतौर पर अच्छे से मिला है, लेकिन उनको बनाने का प्रोसेस एक कुछ टाइम पहले तक ये था कि भाई अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर का जो एक हेडेक होता था वो ये होता था कि यार उसको रिलीज कैसे करूंगा, राइट, कितने उसको स्क्रीन्स मिलेंगे। बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या फिर आपका जो आपकी एक हैसियत है वो इससे डिसाइड की जाती है कि आपको कितनी स्क्रीन्स आपको मिल रहे हैं। एक जो एक तरीके का कास्ट सिस्टम क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे वहां है, तो वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आपको मतलब 10 स्क्रीन भी आपको ज्यादा मिल गया, आपको लगता है कि यार हाँ यार मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव मैनेज्ड समथिंग रियली कंसीडरेबल, राइट। लेकिन जब आप बाड़ ऑफ ब्लड में काम करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर अब ये महारानी आपकी आ रही है, तो आपको पहले से पता है कि यार इनके पास में ऑलरेडी इतनी जबरदस्त रीच है कि उसके अंदर मुझे एक सब्सटेंशियल ऑडियंस तो मुझे मिलने ही वाली है। जैसे अभी महारानी सोनी लिव पे आ रही है एंड हमने देखा है कि स्कैम से क्या हुआ है सोनी लिव के साथ, बिल्कुल द सॉर्ट ऑफ रीच दैट दे हैव सडनली हैड एंड दुनिया भर में लोगों ने इस शो को देखा है। सो महारानी हैज एन एडवांटेज दैट एक सब्सक्रिप्शन बेस सब्सटेंशियल हो चुका है because of scam, that is one example that I'm giving. Obviously there are lot many more shows that have come and other content which is there. aap is pure jo ek revolution type ka ho raha hai creative field mein, entertainment field mein, wo kitna important hai ek aapke jaise producer ke liye ya actor ke liye? bada interesting sawal hai. isme main sabse pehle to ye kehna chahunga ki jab maine ship of thesis banayi thi to wo zamana bahut alag tha ki तब ये सोचना कि एक ऐसी फिल्म जिसमें 6-7 तो लैंग्वेज हैं, बड़ी फिलोसॉफिकल फिल्म है, मतलब कोई जैसे हम लोगों के पास जाते थे कि यार आपको प्रोड्यूस कर दो तो लोग कहते इसमें आइटम सॉन्ग नहीं है, इसका नाम शिप ऑफ थीसिस क्यों है? पर मैंने जो भी बनाया है शिप ऑफ थीसिस या तुम्बाड़, ये सोचकर नहीं बनाया कि इसको कितनी स्क्रीन मिलेगी। बेसिक आइडिया ये था कि आप अपना प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसे कि शिप ऑफ थीसिस के साथ ही हुआ कि किरण ऑन बोर्ड आ गई तो उनके कारण हमें आसानी हुई, तुम्बाड़ के टाइम पे आनंद जी आ गए, वो लोग आए क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में दम था। तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहली बात है कि बनाओ उस पर ट्रस्ट होना जरूरी है, बनिस्पति इस कैलकुलेशन की कितनी स्क्रीन मिलेंगी, स्क्रीन्स मिल जाएंगी। जैसे तुम्बाड़ के साथ ये हुआ है कि सिनेमा में जितने लोगों ने देखी उससे 50 गुना ज्यादा लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म किए। तो अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण एक बेनिफिट हो गया कि आपको सडनली, आपने अगर प्रोडक्ट अपना अच्छा बनाया तो रीच मिल ही जाएगी, चाहे वो थिएटर में रिलीज होने के बाद मिले या पहले मिले। तुम्बाड़ को जितना प्यार ओटीटी पे मिला है उतना पहुंच ही नहीं पाती कभी भी, ओटीटी नहीं होता। तो डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन आ गया ओटीटी की वजह से, एक्टर्स टेक्नीशियन सबको बहुत काम मिल गया, नई नई कहानियां कही जा रही है, नया नया कॉन्टेंट आ रहा है, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। पर फिर भी कोर बात यह है कि आप जो भी बनाओ बड़ी मेहनत से और बहुत लगन से, बहुत प्यार से बनाओ,
वो जरूरी है, नहीं तो वो शो भी शिटी होंगे तो कोई नहीं देखेगा, उसकी रीच कहीं नहीं होने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्टेंट है। और सेकेंड इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक नई ऑडियंस खुल गई है, जैसे स्कैम की बात कर रहे हो आप, मैं गंगानगर में, कल कोई मेरे मिलने वाले मुझसे आए और उन्होंने स्कैम देखा है और वो ऑडियंस नहीं, उस आदमी ने 15 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है और उसने स्कैम देखा है, तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि ओटीटी की वजह से एक नया पूरा ऑडियंस क्रिएट हो गया है जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव है कि आप अगर अच्छा कॉन्टेंट, अच्छी कहानियां लाओगे तो आपको रीच मिलेगी। देखिए, मैं आपकी बात से बहुत हद तक मैं अग्री करता हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ आई थिंक डिबेट करना चाहूंगा आपसे। देखिए क्या है कि इस चीज का आपको भी अंदाजा है कि सिनेमा या फिर ओटीटी या जो भी आप क्रिएटिव चीजें हैं प्रोडक्शन के लेवल पे, इट इज एन एक्सपेंसिव मीडियम। और बहुत बार ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप एक अगर फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें ये भी एक एज अ प्रोड्यूसर आप ये भी सोचते हैं कि इसमें हमें कितना रिटर्न पॉसिबली मिल सकता है। रिटर्न के फैक्टर्स ये भी होते हैं, स्टार कौन है, क्या क्या उसकी मतलब डायरेक्टर कौन है, बहुत बार ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। एंड आपके ये भी डिसाइड होते हैं कि आपके लोकेशन आप क्या चूज करेंगे, प्रोडक्शन वैल्यूज आपकी फिल्म की क्या होंगी, डीओपी किस तरीके से कौन सा आप कर सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंसेज, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज मनी अटैच टू इट। लेकिन जो ओटीटी में जो एक एडवांटेज जो हो रहा है वो ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टार्स। यहाँ पर जो स्टोरी है और उसका जो प्रेजेंटेशन है नई स्टोरी, वो एक स्टार है। ये बहुत से एग्जाम्पल है, सीक्रेट गेम सडनली इट बिकम्स लाइक समथिंग एल्स, मिर्जापुर फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स समथिंग एल्स, बार्ड ऑफ ब्लड बिकम्स समथिंग एल्स। तो वहां पर और आपको एक ये चीज पता है कि जब आप एक चीज को बना रहे हैं, सो यू विल बी व्हेन यू आर सेलिंग इट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म यू विल बी गेटिंग अ डीसेंट प्राइस फॉर दैट, लाइक अ गुड प्राइस, मेनी टाइम्स इट इज अ गुड प्राइस दैट प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग विद नो सपोजिटली सो कॉल्ड स्टार्स एंड ऑल दैट इन द शो। मेरा बेसिकली सवाल मेरा वही था कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक चेंज हुआ है, जहां पर आपको जो भी आप बनाने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर वो बंदिशें नहीं है कि आप अच्छी चीज तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन आपको ये पता है कि आप अच्छी चीज बना सकते हैं, उस पर अच्छे से खर्चा भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एंटायर स्टार सिस्टम, जो कि हमारे वहां एक बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट रहा है। मेरा बेसिकली सवाल वो था। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है कि उससे एक्टर्स को काम ज्यादा मिला है, टेक्नीशियंस को काम ज्यादा मिला है, प्रोड्यूसर सेफ है, तो उस बात में कोई, मैं बिल्कुल अग्रीमेंट में हूँ आपकी बात से कि सहूलियत हो गई है, सडनली एक इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पर आ गया है कि आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे या आपको अपने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे कि आप अपना कंटेंट बनाओ, आप पिच करो, आपकी स्टोरी ग्रीन लाइट होगी, आपको राइटिंग के लिए भी पैसे मिलेंगे, डेवलप करने के लिए भी पैसे मिलेंगे, तो वो बहुत अच्छा हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए और एज एन एक्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है कि हमें नई नई कहानियां, नए नए किरदार करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो पहले 3-4 फॉर्मेट थे, आप उसी में काम करो, उसमें कुछ लोग ही फिट हैं, आपका फिट ही नहीं है। तो पर इसका अगर आप दूसरी तरफ देखो तो एज ए प्रोड्यूसर, अगर ये मैं एक्टर के लिए तो ये लाजवाब चीज है, एज ए प्रोड्यूसर आपको एक परसेंटेज मिलता है कि इतना परसेंट इस शो पर, अगर आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हो तो आपको एक 5% 10% व्हाटएवर, पर अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप अपना कंटेंट बहुत स्ट्रांग बनाते हो तो अगर फिल्म है तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। कि जैसे स्त्री थी तो या अंधाधुंध थी, जो फिल्मों ने चेंज कर दिया तो उसमें आपका छक्का लग सकता है एज ए प्रोड्यूसर, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लूज भी हुई है हमारे लिए। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जहां आपको भरोसा है कि आपका कॉन्टेंट इतना स्ट्रांग है, आप इतना अच्छा बनाओगे कि लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है आप बहुत पैसे कमाओ, पर वो ओटीटी पर वो नहीं रहा है कि आपको इतना ही मिलेगा। तो ये मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड के लिए, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, नया नया कंटेंट बनने के रास्ते खुले हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। मतलब पता नहीं इंडिया के अच्छे दिन आए नहीं आए, पर इस इंडस्ट्री के तो बहुत अच्छे दिन आए हुए हैं। ओके, नाउ सुभाष कपूर बहुत ही दिलचस्प इंसान है और एक सोच बड़ी दिलचस्प है, उनकी राइटर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही वेल वर्स्ड हैं, जो भी मतलब सारा पॉलिटिकल जो पूरा एक स्फीयर है बिहार यूपी का स्पेशली, कैसे आपके उनके साथ में इंटरेक्शंस रहे, क्या आपको सीखने का मौका मिला उनके साथ में? यार बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब काम की तो जैसे आपने तारीफ की वही, मतलब रीमा वाली बात की, काम तो सुभाष सर का सब जानते हैं जैसे आपने कहा, उससे बड़ी बात है वो बड़ा दिलचस्प इंसान है। मतलब मैं वैसे मेरी लाइफ में 4-5 लोगों से मिला हूं जिनके मन में शांति, एकदम अंदर से शांत इंसान है,
क्लैरिटी है, कहीं भागदौड़ नहीं है, और तो वो मुझे उनका सबसे अच्छा लगता है। मैंने उनको बोला भी कि नहीं तो हम हर कोई आदमी किसी ना किसी भागदौड़ में, कुछ ना कुछ अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, उनके अंदर कुछ भी अंतर्द्वंद नहीं चल रहा है, बहुत ही पीस में लगते हैं वो मुझे। और हमारी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शिप ऑफ थीसिस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, मैं वहां गया तो सुभाष सर भी आए थे, उनको जॉली के लिए अवार्ड मिला था, पहली बार उनसे मिली मुलाकात वहां हुई, और उन्होंने सोचा कि सोहम शाह शिप ऑफ थीसिस बनाई है, कोई इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, कोई NRI होगा, और वो मुझसे बोले कि पूछे कि कहां से हो, मैं कहा भाई जी मैं तो गंगानगर हूं, कि मैं दिल्ली हूं। तो हमारी मतलब वही एक कनेक्शन हो गया, एक वही एक दोस्ती होगी कि मैं बहुत देसी आदमी हूँ, वो बहुत देसी आदमी है, तो वहां से फिर वो दोस्ती बरकरार रही है, एक दूसरे के काम के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रही, ये था कि काम साथ में करेंगे, काम साथ में करेंगे। पर फॉर्चुनेटली महारानी में वो मौका मिला, तो वहां से फिर उन्होंने बुलाया तो मैंने हाँ कही और फिर काम शुरू हुआ। ओके, एंड तुम पार्ट 2 पे भी आप काम कर रहे हैं? तुम बात 2 पर हम काम कर रहे हैं, पर अभी कुछ स्टोरी हमने लॉक नहीं की है, तो उसकी स्टोरी की सर्च चालू है। और ऐसा नहीं कि तुम बात को प्यार मिल गया इसलिए आइडिया आया, तुम बात हमेशा से एक आइडिया हुआ करता था कि वो जो स्टोरी है वो इस टाइप की है कि उसमें प्रीक्वल सीक्वल बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा है। वो दुनिया जो वो इतनी रिच है कि हस्तर का कैरेक्टर, विनायक का कैरेक्टर, पांडुरंग का कैरेक्टर, दादी का कैरेक्टर, कि बहुत सारी कहानियां बन सकती हैं उसमें से। तो अभी हमने कुछ लॉक नहीं किया, हम ढूंढ रहे हैं, 3-4 आइडियाज हैं, पर आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जब आप स्क्रीन प्ले में बनाने जाओ तो जान निकल जाती है। तो कुछ आइडियाज को हमने स्क्रीन प्ले बनाने की कोशिश की पर वो फिट नहीं बैठ रहे, तो इच्छा ये है कि जब भी बनाए कुछ भी तो वो तुम्बाड़ के लेवल का हो एटलीस्ट, तो उसकी कहानी की अभी भी खोज चालू है। मैं हूं सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा, प्लीज डू सब्सक्राइब।